पार्टी को मजबूत करने के लिए युवा जनसभा ने आलमगंज स्थित पीडीए अभियान चलाया। अभियान युवा जनसभा के जिलाध्यक्ष इमरान कुरैशी के नेतृत्व में चला, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद सपा अब आगे की रणनीति बना रही है। 2027 में समाजवादी पार्टी रणनीति बनाकर जमीनी मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए सपा अपने आधार को यूपी में और मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चला रही है और यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। अभियान में समाजवादी पार्टी के युवा संगठन सीधा छात्रों से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को समझेंगे। इसी क्रम में पार्टी को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी जिले भर में सदस्यता अभियान चला रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी जनसभा हर क्षेत्र के अंदर लगातार अपना अभियान जारी रखे हुए है, उसमें युवाओं को जोड़ने का काम कर रहा है और युवा समाजवादी पार्टी इस तरह से सैलाब की तरह जुड़ने का काम कर रहा है और आने वाले सैलाब को 2027 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर उस सैलाब का जवाब हम दे देंगे। हम लोग ये जो है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सबको पता है कि भाजपा जो है दमनकारी और षड्यंत्रकारी राजनीति करती है, वो जो है सभी वर्गों को साथ लेकर के नहीं चलती है। तो सबको विश्वास है कि सबको पता है कि समाजवाद ही देश को तरक्की पे ला सकता है, सभी को पता है कि समाजवादी पार्टी ही सबको साथ लेकर के चलती है। तो इस बदलाव की राजनीति में तमाम छात्र नौजवान और ये जहाँ भी कैंप लग रहा है सभी लोग समाजवादी पार्टी में आस्था जताते हुए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में विश्वास जमाते हुए पार्टी की सदस्यता भारी संख्या में लोग ग्रहण कर रहे हैं। कि आज उत्तरी विधानसभा में युजन सभा के महानगर अध्यक्ष भाई इमरान कुरैशी द्वारा सैयदपाड़ा में सदस्यता अभियान चल रहा है। लगातार 9 अगस्त से पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है, जिसको देखा जा रहा है कि अब जो लोग हैं, जनता है, वो पार्टी से जुड़ रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से आस्था के साथ जुड़ना चाह रही है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ही 2027 में उत्तर प्रदेश की गद्दी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ सौंपने का काम करेगी। जैसे कि अभी नितिन भाई ने बताया, ईपीडी के तहत हमारा छात्र सभा का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवजन सभा के अध्यक्ष इमरान कुरैशी जी के अध्यक्षता में ये अभियान चल रहा है और पिछले 9 तारीख से ये अभियान लगातार चल रहा है और इसमें काफ़ी सदस्य जुड़ चुके हैं। जैसा कि अब सभी लोग समझ चुके हैं कि उनको किसका साथ देना है, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे श्री अखिलेश यादव जी के प्रति अपनी आस्था दिखाते हुए सदस्यता अभियान में जुड़ने का काम कर रहे हैं और आगे उन्हें वोट देने का भी काम करेंगे। वो चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो, उनकी समस्याओं का निदान हो, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ही कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के हमारे युवा आदरणीय प्रदेश के जाने माने भाई नितिन कोहली जी, जिनके सानिध्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मजबूती देने के लिए जो सदस्य अभियान का कैंप चलाया जा रहा है, निश्चित ही सदस्य अभियान लोगों की मांग है और समय समय पर समाजवादी पार्टी करती रहती है। और जो 2024 में जो बहुत बड़ी विडंबना हुई थी, जिन बूथों से हम लोगों के जो हमारी बस्तियों में बूथ थे उनमें से 50-50, 100-100 हर बूथ से जो वोट काट दिए गए थे, एक एक लोकसभा में 50-50 हज़ार 1-1 लाख जो वोट काट के षड्यंत्र चला था, उस षड्यंत्र को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी जनता जनार्दन के बीच में है और आने वाला निश्चित 2027 समाजवादी पार्टी का होगा। जय हिंद, जय भारत। युवा जनसभा के अध्यक्ष इमरान कुरैशी ने कहा कि अखिलेश यादव के आह्वान पर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। रविवार को सैकड़ों की संख्या में लोग पार्टी के साथ जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए जिले भर में जगह जगह सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी युवा विंग कॉलेज में जाकर छात्रों से संवाद करेगी, जिससे आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी छात्रों के हित में कार्य कर सके और छात्रों को मजबूती प्रदान कर सके। सी न्यूज़ के लिए आदर्श शर्मा की रिपोर्ट।